आज हम सॉल्व करेंगे यूपी TSSC का एक पेपर है जिसका रिजल्ट भी आ गया है। आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। इसमें आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें यह हमें प्रतीत हो रहा है कि इच्छावाचक होगा, क्योंकि इसमें इच्छावाचक होगा, क्योंकि भविष्य में उज्जवल हो इसको बताया गया है। प्रश्नवाचक क्या होता है? प्रश्नवाचक में जिसमें हमको ऐसा लगे कि कुछ हमसे पूछा जा रहा है। आज्ञावाचक क्या होता है? आज्ञावाचक वह शब्द होते हैं जिसमें हम आज्ञा दी जाती है। निषेधवाचक क्या होता है? जिसमें जो नकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह चारों ऑप्शन हो गए हैं। अगला देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्न में कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? नंबर एक है, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया गया। नंबर दो, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा गया। इसमें होगा हमारा बी सही है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। ठीक। नंबर तीन, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? चलिए इसको हम देखते हैं। ला और सा को दंत होता है, दंत वर्ण से उच्चारण होता है। कंठ से क्या होता है? कावर्ण। ओष्ठ से क्या होता है? पावर्ण। और तालब्य से क्या होता है? तावर्ण। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। हम आगे चलते हैं। ये पेपर बैकलॉग का है। ठीक है दोस्तों, ये सा जो दिखाई दे रहा है ये तालब्य सा है, ऊपर जो है दंत सा है, एक सालब्य सा होता है खड़खोर वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा नंबर। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना की। इसमें सही शब्द छाटना है। कौन सा सही शब्द होगा? वाल्मीकि। इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा दोस्तों? इसमें पहला ए सही होगा, वाल्मीकि, और चारों गलत हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही। पांचवा, स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक है, डी, बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नंबर एक स्रोत भाषा, नंबर दो लक्ष्य भाषा, नंबर तीन मानक भाषा, नंबर चार माध्यम भाषा। इसमें हमारा क्या होगा? स्रोत भाषा, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर एक सही है। आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, एक मानक भाषा है, लक्ष्य भाषा है, माध्यम भाषा है, स्रोत भाषा है। इसमें स्रोत भाषा सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन, यह गद्यांश है। चलिए गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है और
ब्रह्मवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। इस बात पर सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे उस स्वतंत्रता में अभियान में नम्रता दोनों के मेल होए, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चय है कि जो मनुष्य मर्यादापूर्ण जीवन व्यतीत करना की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता नम्रता है, पहली ही लाइन में। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? क्रोध, नम्रता, अहंकार, योग्यता, अहंकार। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है मानसिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, भौगोलिक स्वतंत्रता। इसमें से हमारा ए सही होगा, मानसिक स्वतंत्रता। ठीक है, दसवां प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। इसका शीर्षक क्या था? पढ़ने से हमें पता चलता है कि यह स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो 9-2-11, ऑप्शन ए। अंगूठा दिखाना, आग का तारा, अंधे की लकड़ी, ये सब नहीं होगे होगा। पहला 9-2-11, पुलिस को देखकर। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? दिवाकर, प्रभाकर, सुधाकर, भास्कर। सुधाकर सी, सी होगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। भय, सुधा, विष, जलज। क्या होगा? सी, विष। अमृत का विलोम विष होगा। रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की? ठीक, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। किसमें होगा? सी, तुलसीदास। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी, तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला 15, 15 दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट के लिए, बायोलॉजी के लिए तो बहुत ही अच्छा, अच्छे चैनल है ये, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह होगा? योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, अल्प विराम, अर्ध विराम। योजक चिन्ह होगा। माता पिता योजक चिन्ह संपन्न थे। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? ठीक है दोस्तों, हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। चलिए इसको हम बताते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? बहुत ही आसान है बताना इसको, इसलिए दोस्तों आप बताइए। रत्नाकर, रत्नाकर, रत्नाकर क्या है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन को साथ साथ आप लोग टेस्ट लगाते चलिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग 18वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलिएगा, पढ़ते हैं हम लोग। 2016 का यह पेपर है, ठीक है दोस्तों। सॉल्व करते रहिए। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि। ये तीन संधियां होती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में जैसे ही हमको दिखाई दे रहा प्रति प्रतिध्वनि प्रति उपसर्ग लगा है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा उपसर्ग? प्रति उपसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कंप्यूटर महोदय बताइए, ठीक है दोस्तों। कागज किस प्रकार का शब्द है? ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कागज किस प्रकार का शब्द है। जैसे देख रहे हैं अर्धतत्सम शब्द है। कौन सा? अर्धतत्सम शब्द। इसमें ऑप्शन में क्या क्या था? तत्सम, तद्भव, देशज, अर्धतत्सम। ऑप्शन के हिसाब से अर्धतत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। टेस्ट लगाना चाहिए और लगाते ही रहना चाहिए हमेशा, इससे तैयार होता है क्वेश्चन। दई, जैसे क्या होगा? दई, रात, ठीक दोस्तों। और क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, अच्छर, ठीक है दोस्तों। और क्या हो जाएगा? अज्ञा, ठीक है दोस्तों। ये सब क्या था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का में कौन सा संज्ञा है? हमसे संज्ञा पूछा जा रहा है। सोचिए आप लोग कौन सा संज्ञा होगा। दिमाग में अपने आंसर को सोचिए, उसके बाद हम तो बताएंगे ही, ठीक है दोस्तों। राम क्या होगा? बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक होगा। राम क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। लड़का क्या होगा? जातिवाचक होगा। समूह वाचक में क्या होता है आप लोग जानते हैं, जो जो बोलने पे ऐसा महसूस हो जो समूह का हो, ठीक। इसमें आपका क्या होगा? जातिवाचक। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के बैकलॉग के पेपर में। यह बैकलॉग का ही पेपर है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? शब्द प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है दोस्तों। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। एक विकारी शब्द होता है प्रयोग के दृष्टि तो, और एक अविकारी शब्द होता है, ठीक है दोस्तों। प्रयोग जैसे उत्पत्ति की, उत्पत्ति का कितना प्रकार है? उत्पत्ति के आधार से शब्द, वैसे उत्पत्ति है, प्रयोग है, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द होते हैं, उनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 22 में देख रहे हैं आप, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी अविकारी शब्द, ठीक है। उसी तरह क्रिया के होते हैं भेद, विशेषण के भी भेद होते हैं। इन सब को आपको पढ़ना पड़ेगा।
चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अधिसूचना प्रकाशित होती है, यह हमारा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है सरकारी गजट में, सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, समान पत्र के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये चार ऑप्शन हैं। इस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चुनना है जो सही है, जिसका देख रहे हैं आप ए ऑप्शन सही है, सरकारी गजट में। अधिसूचना जो होती है वो सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सरल शब्द को, सरल शब्द का विलोम शब्द नहीं है? जैसे कोई देख रहे हैं निरर्थक, ठीक है दोस्तों, निरर्थक शब्द नहीं है। कुटिल कठिन वक्र, ये सरल शब्द की क्या है, विलोम शब्द है। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ वाक्य पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं रचना के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, इसमें से हमको चुनना है कितने प्रकार के होते हैं रचना के दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पीछे चले गए हैं, थोड़ा आगे कंप्यूटर महोदय इसको आगे करिए, क्वेश्चन पीछे हो गया है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा क्वेश्चन पीछे हो गया है, कंप्यूटर महोदय आप इसको आगे करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाला भाग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। ओके नमस्ते।